हेलो गाइस, तो मैं आपका दोस्त लेकर के आया हूँ एक ऐसी शानदार सी स्ट्रेटजी, ऐसी पैसिव इनकम जनरेट करने वाली स्ट्रेटजी जो कि हर किसी के लिए काम में आएगी। यानी कि अगर आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी आपकी एक जॉब है और आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं मार्केट को, तो गाइस ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आप एक अपनी अच्छी सी साइड इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेटजी पर आते हैं। तो गाइस पहले आप लोगों को आना है इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में आकर के CPR बाय KGS डाउनलोड कर लेना है। यानी आप CPR डाउनलोड करना है, किसी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं CPR बाय KGS यूज़ करता हूँ। आप इसकी सेटिंग देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर जो है वीकली CPR ओपन करके रखा है और प्रीवियस वीक के हाई और लो को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस इसको अप्लाई करने के ना चार तरीके होंगे, तो वो मैं एक बार टाइप करके यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे और दिमाग में बने रहे कि क्या क्या तरीके होने वाले हैं। तो गाइस पहला जो तरीका होगा, वो होगा बुलिश। दूसरा जो तरीका होगा वो होगा बियरिश। तीसरा जो तरीका होगा गाइस वो होगा इनसाइड बार। और चौथा जो तरीका होगा वो होगा आउटसाइड बार। ठीक है, आउटसाइड बार। आई होप आप सभी को क्लियर क्लियर दिख रहे होंगे। तो गाइज हमारे पास चार तरीके हैं, इन चार तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो गाइज पहले आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप जिस भी चार्ट में अप्लाई, मतलब जिस पे भी अप्लाई करो उसमें 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर लीजिएगा, और बस फिर उसके बाद क्या है, क्या करना है वो हम बताते हैं आपको। तो गाइस आपको पहले एग्जांपल दे देते हैं, हम आपको बियरिश का। ठीक है, तो ये वाला जो नया पुराना CPR है, प्रीवियस वाला CPR, उसके अगर नीचे का CPR बनता है नया वाला, तो ये हो गया हमारा बियरिश CPR। ठीक है, बुलिश की बात कर लेते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। बियरिश CPR यानी कि जो नया CPR है वो नीचे बना है पुराने वाले CPR के, तो वो हो गया हमारा बियरिश CPR। अब जैसे यहाँ पर नया वाला CPR जो है ऊपर बना है पुराने वाले CPR के, तो ये हो गया हमारा बुलिश। ठीक है, अब जो बाकी के दो इनसाइड बार और आउटसाइड बार थे, तो गाइस ये हो गया हमारा इनसाइड बार, यानी जो पुराना CPR था उसमें पूरी तरह से कवर हो गया हमारा आज का नया CPR, तो ये हो गया इनसाइड बार। अब एक बात करते हैं आउटसाइड बार CPR की। तो गाइज एग्जांपल दिख जाए, हाँ जैसे ये यहाँ पर, क्या हुआ, जो नया CPR है वो पूरी तरह से कवर है, मतलब उसने पूरी तरह से कवर कर लिया पुराने वाले CPR को। ठीक है, तो गाइज ये हो गया एग्जांपल आउटसाइड बार CPR का। अब गाइज हमें इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कब करना है वो बात कर लेते हैं। तो गाइज इस स्ट्रेटजी को हमें अप्लाई करना है सैटरडे के दिन, वो सॉरी 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 मंडे के दिन इसको अप्लाई करना है। फ्राइडे के दिन कभी भी अप्लाई मत करना, क्योंकि मंडे मतलब जो 2 दिन का बीच में गैप आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। इस वजह से इसको हम अप्लाई करते हैं मंडे के रोज़। और इसको एग्जिट कब करना है, तो गाइज इसको डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, चारों कंडीशन हो गई, हमने बुलिश बियरिश के बारे में बात कर ली, इनसाइड बार आउटसाइड बार के बारे में भी बात कर ली। अब गाइज इसको अप्लाई इस तरह से करना है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये बियरिश है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो प्रीवियस वीक का हाई है बियरिश पोजीशन बनाना है, यानी जो प्रीवियस वीक का अब जो हमारा हाई है उसको पकड़ेंगे हम। तो ये है यहाँ पे हमारा एवरेज आया 18,200 का, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 200 रुपये ऊपर, वो सॉरी यहाँ से 100 रुपये ऊपर, यानी कि 18,300 वहाँ की लेवल के हमें कॉल को जो है सेल करके चलना है। ठीक है, और वहां से 200 रुपये ऊपर यानी कि 18,500 वहां के कॉल को हमें बाय करना है। बाय क्यों करना है, तो वो इस वजह से करना है क्योंकि देखो हमें तो पैसिव इनकम जनरेट करनी है, मतलब तो ना तो हमें ज़्यादा रिस्क लेना है ना हमें ज़्यादा गेन करना है, तो उस वजह से हम यहाँ पर जो है बाय करेंगे सेम क्वान्टिटी, क्योंकि अगर बाई चांस कोई बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है मार्केट में तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ज़्यादा डैमेज ना करे हमें उस वजह से। तो गाइस इस तरह से इसे हमें अप्लाई करना है। अब ये एक एग्जांपल था बियरिश का, अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल बुलिश का। तो बुलिश में हमें क्या करना है गाइस,
बुलिश में भी हमें सेम चीज़ करनी है, हमारा यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनेगा जैसे, तो हमें इस वीक के यानी ये जो प्रीवियस वीक का लो है जो हमारी लेवल निकल करके आई 18,350, एक मतलब एवरेज बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ से 100 रुपये नीचे यानी 18,250 इस लेवल के पुट को हमें सेल करना है, ठीक है। इस लेवल के यानी जो प्रीवियस वीक का लो है उससे 100 रुपये नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके पुट को आपको सेल करना है, और वहाँ से 200 रुपये नीचे यानी ये 18,250 था, तो ये 18,050 की जो लेवल आएगी वहाँ के पुट को आपको बाय करना है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा बियरिश का। अब गाइस मेन जो एग्जांपल आएंगे वो है, मतलब आप भी सोचोगे ना कि भाई बुलिश और बियरिश तो बता दिया, मेन जो टिपिकल है इनसाइड बार और आउटसाइड बार उनके बारे में बताइए। तो गाइस स्ट्रेटजी को अप्लाई जब करेंगे ना तो इसमें एसएल अगर हो जाता है, जैसे अगर भाई यहाँ पे अभी हमने जैसे देखा था, क्योंकि एसएल का डाउट काफ़ी ज़्यादा होगा कि भाई अगर एसएल हो गया तो हमें क्या करना है, तो गाइस काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, एकदम सिंपल रखा है इस स्ट्रेटजी को हमने। तो अगर हमारा एसएल हो जाता है तो हमें हमारे पोजीशन को जो है काट लेना है, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। एसएल लेना भी मार्केट में जीतने बराबर होता है, ठीक है। ठीक है भैया, अब जैसे यहाँ पर हमारा जो आउटसाइड बार बना है, ये वाला जो एग्जांपल हमने लिया था आउटसाइड बार का, तो इसमें क्या करेंगे, तो गाइस इसमें हम बियरिश पोजीशन भी अप्लाई करेंगे और इसमें हम बुलिश पोजीशन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी आपको मतलब मैंने बता ही दिया था कि बुलिश और बियरिश कैसी होगी, तो वही स्ट्रेटजी को हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारा एसएल जो है हिट हो गया, ठीक है, पर कोई बात नहीं, ठीक है भाई एसएल तो हिट हो गया, एसएल तो भाई हमने हिट होने के लिए लगा के रखा था ना, तो गाइस इस तरह से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बट एट दी एंड हम अरे ये वाली पोजीशन भी तो जीरो होगी, तो इसका भी तो मुनाफा हमें होगा ना। तो गाइस अगर अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है हमें, और जो काम काम की इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच।